तो भाई चलिए आपके सामने इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। इस बुक को अपन इस बुक से कंपेयर कर देखिए कि इस बुक को मैंने बहुत पहले भरवा लिया था, ऑलमोस्ट इसके भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। और ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है भाई, ये आसानी से याद भी नहीं होते। देखिए आके इस टॉपिक को इन्होंने किस तरीके से इस बुक में कवर किया। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चलती होगी। तो भाई अपने पास आ चुकी है RWA की GS निधि बुक, इनकी जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी। तो आपको भाई इसका प्रॉपर रिव्यू बताने वाला हूँ। इस बुक को आपके सामने अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको बताऊँगा भाई इस बुक में क्या खास है कि आपको ये बाकी में लेना चाहिए, कि आपके पास जो पहले की बुक है स्ट्रेटेजी के वगैरह की उनसे भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके जो डाउट है भाई इसी वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो आई होप कि वीडियो को पसंद आने वाली है। तो अगर भाई आप GD कांस्टेबल की तैयारी करते हो भाई, इस अंतिम समय में आपको किस तरीके से तैयारी करना है आपके लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भाई कैसे आप अंतिम 30 दिनों में अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका हर एक व्यक्ति का एक डाउट आ रहा है GD कांस्टेबल की भाई GS कहाँ से कवर करें, तो इस बुक की क्या खासियत है आपको बताऊंगा। मैंने भी अभी तक इसको देखा नहीं है, जस्ट आपके सामने इसको ओपन करूंगा और आपके साथ जस्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई इस बुक को अपन अदर बुक से भी इसको कंपेयर करके देखेंगे कि वाकई में ये बुक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं मैं वीडियो को। तो भाई चलिए आपके सामने इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। इस बुक को अपन इस बुक से कंपेयर कर देखेंगे कि इस बुक को मैंने भी बहुत पहले भरवा लिया था, इसमें भी काफ़ी अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड हुआ है। इसको मैंने लगभग 2 बार इसको पढ़ चुका हूँ। तो आपको जैसे बताऊंगा कि भाई अगर ये बुक आपके पास है तो क्या ये बुक आपको लेना जरूरी है, या फिर आप इस बुक के अलावा इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके हर एक डाउट को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मैं करता हूँ भाई अनबॉक्स। ठीक है, तो इसको मैंने भाई 4 जनवरी को ऑर्डर किया था और आज है 19 तारीख, लगभग 15 दिन पूरे पूरे लग गए हैं, 14-15 दिन ये मेरे पास आने में। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं इसको ऑर्डर करने की, आप अपने एग्ज़ाम से पहले इसको सोच समझ के ऑर्डर करें, क्योंकि ये वीडियो सीधे सीधे 15 दिन बाद आएगी आपके पास। ठीक है, तो जस्ट आप देख सकते हैं इसका कवर इस टाइप का है ऊपर का, शायद ये डिलीवरी वगैरह होने में यहाँ पे थोड़ा सा ये मुड़ गया है। ठीक है, तो इसका जो प्राइस पड़ा है भाई मुझे 149 की ये मुझे पड़ी है, मैंने ऑफ़र के टाइम इसको ऑर्डर कर दिया था। तो ये इसका भाई फर्स्ट पेज, जैसा कि सर ने बोला था कि ये पूरी कलरफुल बुक है, आपके सामने जस्ट पता चलेगा कि वाकई में कलरफुल है कि नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ का फर्स्ट पेज तो आपको इस टाइप का दिखेगा, ग्रे कलर का यहाँ पे फर्स्ट पेज इनका, और उसके बाद ये आपकी प्रस्तावना है। फील आ रहा भाई लगभग NCERT टाइप का फील आ रहा है इसको देख के। ठीक है, ये भाई इसकी विषय सूची देख सकते हैं आप, एक अच्छे कंटेंट की तरह भाई इस विषय सूची को तैयार किया गया है। स्ट्रैटेजी में आपके लगभग ये टॉपिक 16 टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर। पहला आपका भारतीय लोकनृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य है, सेकंड आपका यहाँ पे वादक एवं वाद्य यंत्र, कला से जुड़े व्यक्ति। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है भाई, ये आसानी से याद भी नहीं होते। देखेंगे आके इस टॉपिक को इन्होंने किस तरीके से इस बुक में कवर किया। ठीक है, पुरस्कार, प्रमुख उत्सव, त्यौहार एवं मेले, भारतीय परिधान, चित्रकारी एवं जनजाति, प्रमुख मठ, मंदिर एवं स्मारक, राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य तथा बायोस्फीयर रिजर्व, संगठन, महत्वपूर्ण दिवस, भारत विश्व में प्रथम, भारत के पड़ोसी देश, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, खेल खिलाड़ी, भारत की प्रमुख योजनाएं और आपकी विविध। ये इतने टॉपिक आपके स्टैटिक में देखने को मिल जाती है, क्योंकि भाई नॉर्मल कॉमन टॉपिक तो भाई यही है, अदर टॉपिक इनके सब टॉपिक आपको आगे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, राज्य व्यवस्था ये आपका, फिर इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था और विज्ञान की आपके तीनों टॉपिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो। ठीक है, तो देखते हैं आगे ये बुक किस टाइप की है। तो भाई ये इसका फर्स्ट पेज, पूरी कलरफुल बुक, जैसा सर ने बोला था भाई यहाँ पर लगभग ब्लू कलर से ही इसको डिज़ाइन किया गया है, ब्लू ग्रे का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो फॉन्ट है भाई थोड़े से यहाँ पे आपको छोटे देखने को मिलेंगे उस बुक के मुकाबले, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, या आप इसके फॉन्ट देख पा रहे होंगे हल्के से भाई, थोड़े से फॉन्ट यहाँ पे कम से कम छोटे हैं इस बुक के मुकाबले। इस बुक में भाई काफ़ी अच्छे फॉन्ट यहाँ पे बड़े थे, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिल पा रहा है। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन भाई यहाँ पे 2023 के दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरे क्वेश्चन आपके 2023 और 22 के दिए हुए हैं, 19 के भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें सभी SSC के सभी फॉर्मेट को इसमें कवर किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय लोकनृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य से लगभग यहाँ पे 74 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ठीक है, तो अपन फिर इसमें देखते हैं भाई ये जो बुक है आपकी, इसमें 11,000 बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन है। तो इसमें भी सेम इसी तरीके का था, मैंने इसके पहले आपको इसका रिव्यू दे दिया था। तो यहाँ पे भारत के अपन देखते हैं क्या, भारत के लोकनृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य वाला टॉपिक। ठीक है, इसका जो लोकनृत्य शास्त्रीय नृत्य वाला टॉपिक है भाई यहाँ पे आपका, इसका जो भारत के मठ एवं मंदिर, फर्स्ट में देख लेते हैं अपन कि इसका जो टॉपिक है भारत के लोकनृत्य सेकंड नंबर में। ठीक है, पेज नंबर 2 में, तो पेज नंबर 2 में आप देख सकते हैं इसके जो टोटल क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इसमें लगभग आपको 74 क्वेश्चन आपको इसमें भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 73 क्वेश्चन इसमें हैं और इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर में 74 क्वेश्चन हैं, और बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन की अगर बात करें तो भाई
इसमें भी 2019 तक के क्वेश्चन है, 16 तक के क्वेश्चन है इसमें, सॉरी आपके 2019 16 तक के भी क्वेश्चन इसमें, RRB NTPC 16 का भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट भाई इसके सभी क्वेश्चन इसमें भी कवर किए गए हैं और इसमें भी आपको कवर किए गए हैं। आगे देखते हैं अपन, तो देख सकते हैं आप भाई, ये आपकी सेकेंड वाला टॉपिक है आपका बाधक एवं बाध्यंत्र, ठीक है। जिसमें 2023 के CPU का जो भी एग्ज़ाम हुआ तो उसके भी क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। तो आप अगर भाई अगर अपडेट बुक लेना चाहते हैं भाई, इस बुक को आप ले सकते हैं। या आपकी भाई इस इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इन दोनों में से अगर कोई एक बुक की बात करूं, तो आपको भाई अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आप इसकी जगह इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट भाई इसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर किया गया है जीके के, और इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है। ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है, इसमें लगभग जो टोटल पेज है भाई इसके 594 पेज भाई इस बुक के हैं आपके टोटल 594 पेज। और अगर बात करें इस बुक की तो इसमें आपको टोटल 383 पेज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आपका कंटेंट तो आपने देख ही लिया होगा किस टाइप का है। ऑलमोस्ट पूरे के पूरे इसमें प्रीवियस ईयर को कवर किया गया है, तो आप इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको टॉपिक बता दिया, बाकी टाइम आप आगे भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा इसी टाइप से है। यहाँ पे भी बाधक एवं बाध्यंत्र कुछ क्वेश्चन इसमें देखें कि असद अली खान निम्नलिखित से किस बाध्यंत्र से संबंधित हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भाई। और उसका आराम से भाई यहाँ पे डिटेल में भी यहाँ पे इसको बताया गया है कि उस्ताद अमजद अली खान आकाशवाणी और दूरदर्शन के श्रेणी के कलाकार थे। अमजद अली खान को प्राप्त पुरस्कार पद्म विभूषण, तानसेन सम्मान और आपका यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी, ये आपके पुरस्कार मिले। अधिकतर भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, फैक्ट अधिकतर SSC उठाती है, तो कहीं ना कहीं ये बुक आपके SSC की हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक है। तो इसका जो भाई 249 का प्राइस है नॉर्मल प्राइस पर, ये ऑफर में 149 की मुझे पड़ गई थी। और बात करें इस बुक की तो इस बुक का प्राइस है 499, ये मुझे ऑफर में 199 की पड़ गई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप इन दोनों में से अगर आप कोई CGL जैसे एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपके लिए ये बुक भी अच्छी रहने वाली है। और अगर आपके पास ये बुक है तो आप इससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इसके भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको इसको देखने को मिल जाएंगे और आगे वाली पता चलेगा जब इसको अपन पढ़ेंगे, तो ठीक है। विगत वर्षों में SSC द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या सहित संकलन, सेम ये भी है आपकी। तो आई होप कि भाई ये वीडियो से आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिली होगी इस बुक को समझने में। और आगे देखते हैं तो अपन पार्ट बी में जिस तरीके से यहाँ पर दिया है राजव्यवस्था 134 स्टैटिक का भाई पोर्शन इस टाइप से यहाँ पे कवर किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे नया मुझे लगा, जैसे कि क्रिकेट के जो कुछ फॉर्मेट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतर लोग क्रिकेट के बारे में जानते हैं, पर भाई जो लोग नहीं जानते तो इस टाइप से आप देख सकते हैं फ्री हिट का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उपनाम खिलाड़ियों के उपनाम, खिलाड़ी, खेल, यहाँ ये जो पोर्शन है भाई SSC का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और खेल वाले क्वेश्चन है, तो आपको हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका, अपन 134 देखने वाले थे। 134 में आपको यहाँ पे राज्यव्यवस्था के जो क्वेश्चन है, ये आपकी राज्यव्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस बुक की भाई जो मुझे खासियत लगी, यहाँ पे जो ने डिटेल में समझाया है, जैसे कि सर पढ़ाते हैं वहाँ पे क्लास में, क्वेश्चन से आपको जिस तरीके से यहाँ पे डिटेल बताई जाती है, तो इस टाइप से आपको एक फील आएगा कि लगभग जो आपके ही नोट्स आपने खुद, ऐसा आपको फील होगा कि नोट्स आपने खुद सेल्फ से बनाए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बुक आपके लिए वाकई में बेनिफिशियल रहने वाली है। तो भाई आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी इस बुक को समझने में। फिर भी अगर आपके कोई डाउट छूट रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं वही आंसर देने का प्रयास करूँगा। दोनों बुक के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस अपने टेलीग्राम से भाई जुड़ सकते हैं, स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय हिंद।